हाँ देख इधर ध्यान देकर सुना। अब लोग बोलोगे ये सब बेकार बात है, कौन सांप देखा, कौन बैठ गया, कौन इसको झूठ बोलोगे ना। अब कई प्रत्यक्ष चीज दिखाता हूँ, हमारे तरफ में देखो। मैंने इस बंगाल में कथा करने गया था, एक जगह का नाम झारखंड है, नाम सुने होंगे। मैंने वहाँ भागवत कथा कर रहा था, जब मैंने ये कथा सुनाई भागवत की, एक व्यक्ति मेरे पास में आया न्यूज पेपर लेकर, बोले बाबा आप सही बता रहे। अब ध्यान देकर सुनो, बोले क्या सही बता रहे हैं, बोले ये न्यूज पेपर थे, बोले इधर मैं कहा गया, अभी निकाला था कहां चले गए, और आपको दिखाऊंगा अभी। और न्यूज पेपर का मैंने पेपर को मतलब फोटो लेकर के मैं आया हूँ, आपके दिखाऊंगा अभी। तब उन्होंने एक न्यूज पेपर लाए, बोले बाबा देखो इसको पढ़ो, वो बंगला में लिखा हुआ, बंगला में जानते हो नहीं जानते हो यहाँ पे। बोले एक व्यक्ति जैसे घर बनेगा, उसको नीम खोद रहा था फावड़ा से, नीम खोदते खोदते एक झनकार एक आवाज आई, बोले ये आवाज कहां से आई। तो उन्होंने खोदते खोदते देखा उसमें दो कलसी है, और दो कलसी में उसमें सोने और चांदी की मोहर है, और वो पीतल का कलसी था, इसको ऊपर में जो सांप है उसको ऊपर में एकदम लपेट करके एक सांप बैठा हुआ। तो इतने जब खबर वो पुलिस को पास में चला गया, इतने पुलिस आ गया, देखा दो कलसी है, एक कलसी के ऊपर में एक सांप लपेट करके बैठा हुआ, और उसमें एक राजा का नाम भी लिखा हुआ डिटेल्स रूप में है, उसके लिखा हुआ सोने चांदी किसमें कहने हैं। इतने में पुलिस आकर उसको जब्त कर लिया, और जो सापुड़े होते हैं ना जो सांप को पकड़ने वाले, बुलाया उसने वो सांप को एक बोरी को अंदर में डाला, डाल कर गर गर 3 मील दूर में जाकर के वो सांप को छोड़ दिया, और दोनों कलसी को उन लोगों ने जब्त कर लिया। देखा 2-3 घंटा बाद में जो सांप छोड़ करके आया था ना, फिर सांप उन पर घूम रहा है, दोबारा फिर सांप उन पर आ गया है। इसलिए जो कथा जो बोल रहे ना, इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण गीता में कहते हैं, जब जब व्यापी शरण भाव तेजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एव कौते असदा तद्भाव भावित। कृष्ण गीता में कह रहे अर्जुन, बोले हे अर्जुन अंतिम समय में जीव जैसे सोच सोच करके मृत्यु होता है, अगली जीवन में उसको ठीक वैसे ही गति मिलता है। इसलिए भागवत में भी अब सुना होंगे, जैसे हमारे भारत है, हैं? उसका नाम पहले अजनवर्ष था, लेकिन जब भारत को 9 भाग में विभक्त किया गया, ऋषभ देव का जो 9 बेटे थे, जो 9 भाग में विभक्त थी, उसमें जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था भरत, वो भरत का हिस्सा भारत वर्ष में भरत का हिस्सा बढ़ा, इसलिए भरत का नाम से हमारे देश का नाम क्या बढ़ गया, भारत बड़ा उसका देश नाम है, उसका नाम भारत बड़ा है। जब भरत ऋषि ने सब छोड़कर भजने के लिए गए, लेकिन वो अंतिम समय में एक हिरण का प्रति वो आसक्त हो गए, आसक्त हो गए तो मरते मरते उन्होंने वो हिरण को सोच सोच करके उन्हें प्राण त्याग दी, और अगली जीवन में फिर भरत महाराज पर हिरण बन करके आए। लेकिन चूंकि पूर्व जन्म में उन्होंने भजन किया था, वो भजन का संस्कार रहने का नाते उसको पूर्व जन्म की बात याद था, जब पहले भारत का मैंने राजा था, सब छोड़ करके प्रभु को भक्ति करने आया, लेकिन बीच में मैंने एक हिरण का प्रति आसक्त हो गया था, और मरते मरते मैंने हिरण को चिंतन करते करते शरीर छोड़ा, इसलिए अब मैं हिरण बनकर आया। तो वो हिरण क्या करता है, वो हिरण को साथ में नहीं रहता है, वो जहां पर भक्त लोग बैठ करके हरि कीर्तन हरि कथा करते हैं वहीं पर बैठता है, कथा सुनता है, और संत लोग प्रसाद को पाने का बाद जो पतल को फेंक देते हैं, झूठन पतल को, वो उसको खाता है, और उसको खा करके जब उसका मृत्यु की समय आई, वो गंडू की नदी जहां से शालग्राम मिलता है, वो गंडू की नदी में प्रवेश किया गले तक, और उन्होंने भगवत स्मरण करते 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 शरीर को छोड़ा, इसलिए अगली जीवन में फिर उन्होंने फिर जड़ भरत दिखाया। अब उसको 3 जन्म की बात याद है, इसलिए वो जान बुझ करके क्या करते हैं, पागल का उन्होंने नाटक किया है। परिवार लोग चाहते पढ़ाई लिखाई करे उसको बढ़िया से, लेकिन 3 जन्म के बाद उसको याद है, पहले जीवन में तुम्हें भरत बन करके आया,
भारत को छोड़ करके भजने के लिए गया और मैंने हिरणों के प्रति आसक्ति होने का नाते मैंने हिरण बना। फिर अभी मेरे को मानव शरीर मिला इसी जीवन में और यीशु के प्रति मेरे को आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने नाटक किया, पूरा नाटक किया पागल बनने का। ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पिता माता सोच रहे थे कोई ब्राह्मण का कर्म थोड़ा बहुत कर ले जिससे अपना पेट भर जाएगा, लेकिन जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। दिन भर प्रभु का भजन करते थे, दिन भर प्रभु की भक्ति करते थे, पर तीसरे जीवन में उनको संसार से मुक्ति मिली। इसलिए भैया जैसे जैसे कर्म करेंगे कर्म अनुरूप हमें शरीर मिलेगा। इसलिए अभी बता रहे थे ना किसको भजन की बात बताओ, हम कहते हैं हम सारे काम को निपटा करके भजन करेंगे। अभी तो किसका काम संसार में निपटा है बोलो, कहते स्वयं निपट जाओगे लेकिन काम निपट गए। अभी तो काम निपटा है किसका? अब लोग प्रत्यक्ष रूप में एक चीज को देखना, प्रत्यक्ष रूप में सामने एक समस्या है, हम सोचते हैं किसी तरह से एक समस्या दूर हो जाए चैन मिले। अब देखना एक समस्या तो गई नहीं, पिछले दूसरी समस्या खड़ी है। फिर सोचते हैं किसी तरह से दूसरी समस्या हमारी हल हो जाए किसी तरह से। आप देखना प्रत्येक रूप में वो दो समस्या तो नहीं गई, पिछले तीन और दूसरे तीसरी समस्या फिर खड़ी हुई सामने। जैसे समुद्र देखना लहरी के ऊपर भी लहरी आती है, ऐसे करते 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 जीवन खत्म, जीवन ऐसे खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं भैया ये जीवन रहते हुए क्या करो, भगवान की भजन भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की भक्ति से ही जीवन का शांति सुख प्रभु की भक्ति से ही मिलेगा। और ये जीवन बड़े कीमती जीवन मिला है। भगवान राम भी अयोध्या वासियों को बैठा करके यही समझाते, क्या कहते बोले, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। हे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर को साधारण मत समझो, ये तो लाख चौरासी ब्रह्म के ये नर्तक देंगे है। आप बोलोगे किसने पूर्व जन्म को देखा है, हम बोलेंगे ना किसने पूर्व जन्म को देखा नहीं। भागवत कहता है एक व्यक्ति तीन जन्मों को पता लगा सकता है, कितने जन्मों को कैसे देखो भागवत में तीन जन्मों का पता लगा सकते हो। बोले कैसे देखो, पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म की है वो कर्म का अनुरूप वैसे घर भी मिला हमें, वैसे पढ़ाई लिखाई भी मिली, पत्नी वैसे ही मिली, पुत्र परिवार ठीक वैसे ही मिले। आप देखना एक माँ के तीन बच्चे हैं, देखना माँ तो जन्म दिया लेकिन कर्म नहीं दिया है। एक बच्चा तो इतने पैसा कमाता है खाने के लिए कोई नहीं, एक बेटा इतने निकम्मा है अपना पेट भी नहीं भर सकता है, पेट भी नहीं भर सकता है। क्यों? एक माँ से जन्म दिया है, जन्म तो एक माँ दिया, जन्म अपने दिया, कर्म अपने नहीं दिया है। वो कर्म तो अपना कर्म को ही वो लेकर के आया है। देखना यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए, किसका चेहरा को चेहरा से मिलता है, किसके नेचर नेचर को साथ में मिलेगा, किसकी पत्नी इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है, बड़े आज्ञा घर, कितनी किसकी पत्नी ऐसे होती है एकदम बड़ा तूफान आंधी तूफान है। ऐसे क्यों ऐसे होता है? हम कभी कभी कहते ना पूर्व जन्म का बेटा नहीं, पूर्व जन्म का शत्रु से आज बेटा बन करके आ गया। ऐसे कभी कभी बात सही है कि गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि हमने जैसे कर्म किए हो थोड़ी सी भी इतनी सी भी इधर उधर नहीं होता। चार पांच भाई देखना, एक भाई तो बढ़िया लिखा पढ़ाई पढ़ाई का ही नहीं, सभी का नेचर अलग, घर अलग, परिवार सबको देखो यहाँ पर जितने बैठे किसको नेचर को साथ में कोई मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। क्यों? कहते इसी जीवन से हम पूर्व जन्म को पता लगा सकते हैं, पूर्व जन्म में हमने क्या क्या कर्म किया। जैसे कर्म जैसे अंबानी अंबानी है, टाटा बिरला है, अगर उसको घर में कोई अगर बच्चा जन्म ले लिया, इसका मतलब क्या है? जन्म होते ही सारे संपत्ति का मालिक हो ही, लेकिन एक व्यक्ति रोडपति होकर जन्म हुआ, रोड में बैठा हुआ खाने के लिए मिलती, क्यों ऐसे? वहां पर क्यों जन्म हुआ है? क्या कारण क्या है? कर्म है, ये कर्म है हमारी। जैसे हमने कर्म की, कर्म का अनुरूप थोड़ी सी भी इधर उधर देखना नहीं होता है। सभी जैसे जैसे कर्म किया, वैसे परिवार, वैसे पति, वैसे पत्नी, वैसे बच्चे, रुपया पैसा सारे ठीक वैसे। और इसी जीवन में पूर्व जन्म क्यों पता लगा सकता हूं, और इसी जीवन में अगले जीवन को भी पता लगा सकता हूं।
अगले जीवन में पता लगा सकते हो, जैसे कर्म करेगी जैसे करणी वैसे भरणी, कहते ना जैसे करणी वैसे भरणी। इसलिए यहाँ जमदूत कह रही है बात को, एक व्यक्ति तीन जन्म की बात को हर एक व्यक्ति पता लगा सकता है, हमने कैसे कैसे कर्म कैसे कैसे क्या क्या किया, जैसे कर्म वैसे जीवन हुआ, ठीक है ना। इसलिए इसी जीवन में क्या करनी है, भगवान कहते हैं, स्वयं राम कह रहे हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई परलोक सुहाना। भगवान कह रहे हैं ये जो मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति के दरवाजा है। ये क्या है बोलो, मुक्ति के दरवाजा पर तुम पहुंचे हो, ये 84 लक्ष्य भ्रमण करते करते, क्योंकि मानव शरीर के सिवाय कोई भी कृष्ण कृष्ण राम राम कोई बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर कोई क्या घोड़ा गधे कुत्ते आकर कथा सुन रहे हैं, सुन नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते। एक ही जीवा हमें दिया है 84 लक्ष्य जीवन में, जिसमें हम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं, और कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता। इसलिए भगवान कहते हैं ये मानव शरीर नहीं है, अयोध्या वासियों ये 84 लक्ष्य जीवन के बाद में साधन धाम, ये साधन का धाम स्वरूप मुक्ति कर द्वारा ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति के दरवाजा पर तुम पहुंचे हो। अगर इसी जीवन पा करके प्रभु की भजन कर लिया, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, अगर इसी जीवन में भजन किया कृष्ण के तो फिर मेरे पास में आओगे, जहां जाने से कभी दोबारा चक्र में नहीं आएगा, फिर ये दुख कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा, चिरकाल के लिए जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये जीवन समय रहते हुए क्या करो, भगवान की भक्ति करो, जैसे संसार के लिए करते हैं ऐसे भगवान के लिए भी थोड़ा बहुत भगवान के लिए करो, भगवान की भक्ति करो, ठीक है ना। सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और जोर करके बोलो सब, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब लोगों में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, आप मन लगा कर सुनो, क्यों भक्ति करनी चाहिए, फिर ये स्टोरी सुना कर ना बाद में आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है, और जो पूछेगा मैं उसको इनाम दूंगा, ठीक है, और जो नहीं पूछवाएगा ना मैं खाली कर दूंगा। इसलिए ऐसे सुनना जैसे एक स्टोरी सुन करके मेरे को दोबारा सुना सकते हो, तो ये जो स्टोरी आपको सुनाऊंगा इतने महत्वपूर्ण है, मैंने इसी कथा से कितने लोगों को प्रभु की भक्ति में भजन में लगाया, प्रभु की भक्ति में हमें लगाया। इसलिए अच्छे तरह से स्टोरी को सुनो, हमें क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, सब ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय कोई एक राजा था, कहते वो राजा के 4 रानियां थी, कितनी रानियां थी, 4, जोर से बोलो 4 रानियां थी, लेकिन जो सबसे जो बड़ी रानी थी राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, है? उसकी मन पसंद चीज को लाग ला कर देता था, अगर बोलता था ऐसे में साड़ी सूट सलवार पहनना चाहता चलो तो फिर गुम्बाल में ले जाती वहीं पर, जैसे तुम्हारी इच्छा पहनना, अगर गोल गप्पे खाने के लिए चाहे बोले चलो खिलाएंगे, अगर धोसे इडली खाना चाहे बोले चलो वहां पर खिलाएंगे, है, और जैसे जैसे चीज मांगती थी ना राजा उसी समय में उसकी इच्छा को पूरी करती थी। अभी राजा की जो दूसरे नंबर की रानी थी वो देखने में सबसे सुंदर थी, हर व्यक्ति चाहता ना पत्नी मेरी सुंदरी हो अच्छी हो, हैं? वो देखने में बड़ी सुंदर थी, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था वो रानी को अच्छे तरह से सजा धजा लेता था और अपना रथ में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाता था, देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी है कितने सुंदर है। अभी राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी बहुत वो मीठी मीठी बोलती थी, बात बड़ा मीठा मीठा बोलती थी, हर व्यक्ति चाहते ना जैसे हम बाहर से काम करके आए ऐसे नहीं घर में लड़ाई झगड़ा ससुर कर ये नहीं वो नहीं, हर व्यक्ति चाहते घर में आए तो पत्नी इतने अच्छी मीठी बोली बोले दिन भर का परिश्रम हमारी श्रांत हो जाए। इसलिए राजा जब अपना महल में आता था वो रानी बहुत मीठा मीठा बोलती थी, राजा उसको पास में बैठता था और बैठ करके अपना मन की बात बोलता था, उससे मीठी मीठी बोली सुनता था, और जो मन की बात है ना और किससे बोलता नहीं, वो 14 नंबर रानी को
तीसरी नंबर रानी को बोलती थी। अभी राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी, लेकिन राजा जब से उसको घर में शादी करके लाया ना, उसको साथ में राजा कोई मतलब नहीं रखता था। कभी नहीं पूछता था तेरे पास में साड़ी साबुन क्रीम स्नो पाउडर है कि नहीं, लिपस्टिक है कि नहीं। राजा उसको एकदम पूरा घर में नफरत करे रखा था, घर की एक कोने में उसको फेंक रखा था, कोई बात नहीं करता था। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, राजा मेरे को शादी करके लाया यार, कम से कम पूछे तो सही तेरे पास में कुछ है कि नहीं है। रानी बड़ी दुखी रहती थी। लेकिन अभी राजा का अंतिम समय आया संसार छोड़ने का। सोचा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे मैं प्रश्न करके देखता हूं कौन कहां तक मेरे साथ में चलती है। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी की नंबर आई। आप बताओ बड़ी रानी कौन थी? नहीं मैं कुछ पीछे वालों को पूछ रहा हूँ। मैं जो पूछा उसका उत्तर था ना, बड़ी रानी। अभी चार रानियों में बड़ी रानी कौन थी? आप लोग पीछे बैठ कर बोलो, बोलो रानी सब। आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, बोलो बड़ी रानी कौन थी? हे भगवान, अभी भूल गए तो फिर मेरे को सुना कैसे बता। बड़ी रानी वो थी राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को दे दे करके उस खुश करता था। अब बोलो ना, तभी तो मेरे को पता चलेगा आप सुन रहे हो ना। अभी सोचा बड़ी रानी से प्रश्न करता हूँ, जिसको मैं इतना प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर खुश करता था, है वो। बोले रानी तुम साथ में चलोगी मेरी? उसने बोले मैं तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों? तेरे लिए मैंने जो इतना की, जो मांगती थी वही ला ला करके देता था। बोले ये तेरा कर्तव्य था। बोले तेरी, बोले मेरी तेरी प्रति कोई कर्तव्य नहीं। राजा को तो बड़ा कष्ट मिला, जिसके लिए मैंने इतना किया, प्यार किया, सब देता था, वो कहती एक कदम भी नहीं चलेगी। तो सोचा ठीक है दूसरे रानी से पूछता हूँ। दूसरी रानी कौन थी? पीछे वाले बैठे जो पीछे वाले, बोलो दूसरी रानी कौन थी? हे भगवान, जितना भूल गए डॉक्टर जी, बोला बोलो। नहीं नहीं, हाँ जो सुंदर थी, हाँ जो सुंदर थी, हम सुन रहे। इसलिए राजा जिसको सदा सजा करके दुनिया को दिखाया करता था, है। बोले रानी तो मेरे साथ में चलोगी? बोले चलोगी क्या? मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले देख मैं कितने सुंदर, तू देख रहे? बोले तू तो सुंदर ही। बोले तू तो दुनिया को पहले कर दिखा कर रखा, दुनिया को मेरे घुमा घुमा दिखाए ना, मेरी रानी कितने सुंदर, इसलिए जहां जाओगी मेरे को पसंद कर लेगा। मैं तो भैया दूसरे से शादी कर लू। इतना सुनकर के राजा को प्यार के नीचे जमीन ही खिसक गई। बोले ये क्या कह रहे? बोले मरने के लिए इंतजार कर रहे, दूसरे से शादी करेगी है। राजा बड़ा आश्चर्य लगा। अब सोचा ठीक है तीसरा को पूछता हूँ। तीसरा कौन थी? तीसरी कौन थी? हाँ जो मीठी मीठी बोली बोलती थी। राजा जिसको मीठा शब्द सुनकर बड़े खुश होते थे, आज जिसकी मन की बात जिसको बोलते थे। बोले रानी तू क्या करोगी, चलोगी साथ में? वो थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले राजा चलोगी, लेकिन दरवाजा तक चलो। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना है? बोले ज्यादा बोलोगे ना, दरवाजा से तो आगे चार कदम बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ में नहीं चल सकती। बोले दरवाजा तक चलना, चार कदम चलना कोई चलना कहते हैं? बोले राजा यही तक मैं कर सकती हूँ, आगे नहीं चल सकती। राजा बोले भैया तुम भी किसी काम की नहीं। अभी सोचा चौथी नंबर से पूछे, हाँ बोलो चौथी नंबर कौन थी? बोलो जोर से। हाँ सामान बता याद है, जिसको राजा कभी कुछ भी नहीं पूछता था, है तेरे पास में कुछ है कि नहीं, पूरा घर की कोने में जिसको फेंक रखी थी। राजा सोच रहा है इसको कुछ भी नहीं पूछू। बोले क्यों? बोले जिसके लिए करोगे उसको तो पूछ सकते हैं ना, आज जिसके लिए करोगे नहीं उसको क्या पूछोगे? बोले इसके लिए तो कुछ कर ही नहीं, तो इसका क्या पूछ। तभी सोचा जब रानी है एक बार पूछकर देख लेता हूं। राजा ने पूछा रानी साथ में चलोगी? जब इतना सुने ना उसको तो बड़ा क्रोध आया। बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? तू जब से मेरे को शादी करके लाए हो कभी पूछे तुमने लोग खातिर से तेरे पास में साड़ी साबुन तेल क्रीम लिपस्टिक है कि नहीं? पूछी तुमने कभी? पूछिए जिंदगी भर तो तुमने कुछ पूछा ही नहीं, घर की कोने में फेंक रखा, और मरने से पहले मेरे को पूछ रहे हो साथ में चलोगे कि नहीं? बोले राजा
देख मेरे को, मैं तुमको दिल से बहुत प्रेम करती हूँ। तुम तो देख लिया जिन जिनियों को प्रेम कर रहा था, तुमने देखा कि नहीं कौन कहां तक गया? तुमने देख लिया? कोई पूछा तेरे को? बोले नहीं पूछे। बोले तुमने जिंदगी भर मेरे तरफ में देखा ही नहीं, भले ही तुमने जो कुछ किया है, लेकिन मैं तेरे को दिल से प्रेम करती हूँ। तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी बनूंगी, बिना खाए तेरे में खिलाऊ। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए किया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया वही कहती जाए। देखो ये जो कथा है ना, ये और किसी की कथा नहीं है, हमारा अपने जीवन की कथा है, अपना जीवन की सच्चाई है। इसकी रहस्य का आप लोग समझ लो, ये चार रानी कौन है और कौन कहां तक जाएगी, अच्छे तरह से समझो, ठीक है ना, याद कर लेना कथा को। कहते सबसे बड़ी रानी है जिसको राजा सबसे ज्यादा प्रेम करता था, है ना, जिसकी मन पसंद चीज को ला ला कर उसको खुश करता था, लेकिन अंतिम समय में जो कहती है एक कदम नहीं चलेगी। इसका मतलब है जीवन में हम जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, वो जिस चीज की मांग करे उसकी इच्छा तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में जो एक कदम भी साथ में नहीं चलेगी। कहती है कौन है, किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, किसको ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, किसको प्रेम, आप लोग पीछे वाले बोलो किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, इसको बोलो। देखो हम इस जगत में शास्त्र कहता है प्रेम नाम का जगत में कोई चीज है ही नहीं, जगत में केवल स्वार्थ है। जो प्रेम थोड़ी बहुत दिख रहा है ना, चूंकि आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए वो प्रेम दिख रहा है, और मिलना एक दिन बंद कर दो देखना सारे प्रेम बिखर जाए, सारी प्रेम बिखरते हुए देखेगा सारे प्रेम को है। इसलिए अभी प्रश्न होता है किसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जब हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपना शरीर को प्रेम करते हैं, जैसे राजा उसकी मन पसंद चीज को देता था, मतलब क्या, ये शरीर अगर बोलता है आज है आज हम पिज्जा पास्ता खाएंगे, बोले चलो तेरे को होटल में खिलाएंगे, ऐसे कपड़ा पहनना चाहते बोले चलो मॉल में बढ़िया कपड़ा पहनाएंगे, बोले जिम जाना चाहते बोले चलो ले जाएंगे, बोले चबन प्रास खाने बोले चलो, ये शरीर जो मांगता है उसको देते कि नहीं है। लेकिन जब ये शरीर से पूछे कि भैया साथ में चलोगे, ये शरीर क्या उत्तर देता है, इसलिए एक हिंदी में भजन है ना, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब शरीर से ये परमात्मा चले जाए, जब हंस उड़ जाए, जिस शरीर को इतने बढ़िया साबुन से स्नान कराया, इतने क्रीम, इतना क्या क्या शरीर के लिए किया, अब बताओ शरीर साथ में जाएगा, साथ में शरीर जाएगा, शरीर जहां टिकता शरीर यही बर्फ पड़ी रह जाएगी, शरीर एक अलग चलने वाले में। अभी जो दूसरे स्त्री थी कौन थी, राजा, जिसको सारा दुनिया में दिखाया करता था, जो देखने में सबसे सुंदर थी। राजा जब उससे पूछे भैया साथ में चलोगी, लेकिन उसने क्या उत्तर दिया, बोले मैं देख रहा हूं तुमको मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। अभी सबसे सुंदरी कौन है, हम कहते ना बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा भैया, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है पैसा के बगैर। ये सबसे सुंदरी, पैसा रहेगा बढ़िया दुकान वकान बनाएंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, हैं बड़े सुंदर गाड़ी में, भले कोई मर भी जाए उस समय में, बढ़िया गाड़ी में लेकर जाएंगे, देखो हमारे पास में इतना कीमती गाड़ी है, कैसे कपड़ा पहनते हैं, पैसा जिसको दुनिया को दिखाते, उससे पूछा साथ में चलोगी, बोले चलोगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तो कम मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है, आप बताओ बच्चों का कहाँ नजर है पिताजी की, कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, एटीएम कहाँ पर, कहाँ पर उसकी कितना पैसा है। मैं जो अपना गांव में देखा, हमारे गांव में जो सबसे बड़ी धनी थी, सबसे उसको तीन बेटे थे, क्या होगा किसी बेटे को थोड़ा काम किसी ज्यादा चला गया था, जिसको हिस्सा में काम पड़ा था ना, वो डंडा लेकर आ गया, खड़े हो गया, बोले कोई अगर पिताजी के शरीर में हाथ लगाएगा सर फोड़ दूंगा, पहले पिताजी का कॉपी निकालो कितने पैसा कहां पर किया है, पहले हिसाब हो जाए, क्योंकि मेरे को काम मिला है, पहले हिसाब उसको बाद में, हमारे गांव की कथा मैंने जो देखा है, पहले बंटवारा हुआ फिर उसको पिताजी की संस्कार करने के लिए। अब सोच नहीं सकते हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति था, इतने बुरी तरह से उसके संस्कार, उसका कोई अंतिम क्रिया ठीक से नहीं किया, क्यों, बल्कि उसको करेगा वो करेगा वो करेगा, उसको पास में ज्यादा पैसा है, पैसा पिताजी को लिया है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं भैया थोड़ा भजन, भगवान का भजन करो, भक्ति करो, बोले
समय कहाँ है? बच्चों के लिए पैसा कमा कर रखना ना, गुरुदेव कहते थे बच्चे के लिए पैसा मत कमा कर रखो, वो होनहार होगा तो कमाएगा, है होनहार होगा तो कमाएगा। अगर उल्टा पुलटा होगा ना, जितने पैसा कमा कर गए वो दारू मांस शराब और जुआ खेलकर सब सर्वनाश कर देगा। गुरुदेव कहते थे ऐसे धन कमाओ जिस किसी जीवन में भी जिसका मालिक तुम बनोगे, अगले जीवन में मालिक तुम ही बनोगे। तो क्या है, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोल को दीप मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रभु का नाम उसकी धन को कमाओ, अभी भी मालिक बाद में भी आप इसकी मालिक बनोगे। वो तो गई, अभी तीसरे नंबर आए। तीसरे नंबर कौन थी? राजा जिसका मीठी मीठी बोली सुनता था, मन की बात बोलता था। कहती ये कौन है? बोले परिवार वाले, जिनको साथ में बैठ करके हम मन की दुख सुख की बात करते हैं, है ना। पहला नंबर आई पत्नी की, पत्नी से बोले जिसको साथ पर लगा कर शादी किया था, बोले साथ में चलोगी? बोले चलोगी लेकिन दरवाजा पर चलोगी। बोले उसको आगे चलना बोलोगे, चार कदम तो बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं चल सकती। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, बढ़िया आरती से जाएंगे तेरे लिए, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक, वहीं पर जला करके टा टा करते करते वापस आ जाएंगे। बोले आगे? बोले आगे और हम नहीं जा सकते। चौथे नंबर देखो, जो काम की बात, इसको ध्यान देकर सुनो। राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर लेता था, बेकार ही किसी काम की नहीं, लेकिन अंतिम समय में जब उसको पूछा ना, वही काम में आए, वही काम में आए। अभी प्रश्न है, जीवन में हम किसको सबसे ज्यादा जीवन में नेग्लेक्ट करके रखे? बोले भगवान की भक्ति को, भगवान के भजन को। अगर जिसको बोले थोड़ा हरिनाम करो ना माला, बस बेकार काम है। जिसको पास में कोई काम धंधा नहीं है ना, उसे माला लेकर हरे कृष्ण कहते हैं। हमारे पास में बहुत सारे काम, बोले टीवी देखेंगे, स्मार्टफोन देखेंगे, यार दोस्तों में घूमेंगे। अब देखना इसी के लिए सारे समय हमारे पास में है कि नहीं, लेकिन थोड़े बोले भगवान की भजन करो, बोले समय कहाँ है? ये सब बेकार चीज है। जिसको पास में काम धंधा नहीं, जो माला लेकर हरे कृष्ण सब के सब करते हैं, है? बोलते हैं ना। लेकिन आप लोग तो सब हिंदुस्तानी से आए, सब हिंदी भाषी भारत के, आप लोग भारत के रहने वाले। आप लोग ये बताओ, जब एक व्यक्ति की शरीर छूट जाती है, जब चार व्यक्ति उसको कंधे पर ले जाते हैं, आप लोग देखो क्या भारत में बोलते बोलते ले जाते हैं? आप लोग बताओ तो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई बात छूटा, यही बोलते हैं ना। ये बात किसको बोल रहे हैं? वो जो ऊपर लेटा हुआ, जो ऊपर लेटा हुआ उसको ही सुनाते हैं। बोले बेटा जितने जीवन में राम और कृष्ण का नाम लिया है तुम, तेरे साथ में अभी वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने दुनिया में जो इकट्ठे करके रखे हो, एक सुई धागा भी यहां से तेरे साथ में नहीं जा रहा है, सबके सब तुम्हें छोड़ करके जा रहे हो। पत्नी देख लिया, पत्नी कहां तक गई? दरवाजा तक गई। परिवार शमशान तक जाएंगे, पैसा तो दूसरा ले गया। जिस शरीर को इतना प्रेम करता था, शरीर छोड़ते ही सारे संबंध खत्म हो गई। इसलिए मीरा कहती है, आप लोग सब हिंदी भाषा से सुने होंगे, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोल दी मेरे सारा गुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोग सब हिंदी भाषी सब घर घर में आप सब माताएं बहन सब गाती हैं, अब सुने होंगे कि मीरा की भजन। मीरा कहती है ना पायो जी मैंने, बोले मैंने पाया है। बोले क्या पाए? बोले राम रतन धन पायो, जितने राम की नाम लिया है, कृष्ण का नाम लिया, वही पाए और जगह में सब ही खोवाए। बोले ये धन कैसे है? फिर वो दूसरी लाइन में कहते हैं, बोले चोर नहीं ले बे, लुटे नहीं जावे, दीन दीन बड़ तसबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा कहती ये ऐसे धन है ना,
इसको जो कमाएगा वही मालिक बनता है। अगर पति इसको कमाएगा ना, पत्नी नहीं ले सकती है। बच्चे कमाएगा तो पिता माता नहीं ले सकते, पिता माता कमाएगा तो बच्चे नहीं ले सकता है। जो कमाएगा इसी जीवन में आप ही इसका मालिक बनोगे, और अगले जीवन में बोले दीन दीन बढ़त सवाय, ये धन कभी घटेगी नहीं, ये बढ़ेगी, ये धन कभी घटेगी नहीं, ये धन बढ़ते रहेगी है। इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने है ना, सुने चैतन्य महाप्रभु, ये राधा कृष्ण मिल करके महाप्रभु का रूप में आए। एक दिन इनको भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। महाप्रभु शिक्षा देने के लिए बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो, उस समय 5.5 साल पहले की बात, 100 स्वर्ण मुद्रा उसको घर में हम खाएंगे। बोले प्रभु हमारे घर में तो 100 रुपया तक भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण होनी चाहिए ना, फिर हमारे घर में क्या खाओगे नहीं। पर भगवान सबको बुलाया, बैठाया, समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी वो कागल हुए। बोले मोती लूटे कौन? बोले तुलसीदास, हनुमान जी, मीरा, सूरदास, देखो जगत में जिनका, नानक देव है, गुरु नानक जी, देखो इन लोगों ने ये प्रभु का नाम जप किया। सारा देखो दुनिया में जिनकी नाम जिनकी जगत में अमर हो गया, अमर हो गया कि नहीं जगत में, नाम जिनकी अमर हो गया है जगत में। इसलिए कहती है धन को जो लूटेगा ना जगत में अमर बन जाएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कैसे अमर बनने के लिए? कहते हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे, सब सब बॉलीवुड में ना हीरो हीरोइन बनकर कमाएंगे नाम को। अब भारत में सुशांत का नाम सुने होंगे ना, हो गया काम। इसलिए 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे उनका नाम कहाँ है? लेकिन हनुमान जी का नाम देखो, गुरु नानक जी का नाम देखो, तुलसीदास का नाम अमर हो गया कि नहीं जगत में? हाँ, कहते भैया हीरो हीरोइन बनना है बॉलीवुड में नहीं, हीरोइन भगवान की भक्त बन कर एक बार हीरो बन जाओ, जब तक ये दुनिया रहेगी तो तब तक तुम्हारी नाम जगत में अमर बन जाएगी, गीता भागवत में अमर बन जाएगी नाम, है ना। अब मेरे तरफ में देखो सबके सब, अब कैसे लखपति बनोगे? अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो सब? जानते हो ना, कुछ दिन पहले टीवी में आता था ना कौन बनेगा करोड़पति, आता था ना कौन बनेगा करोड़पति। आप मेरे तरफ से देखो, भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, हम लोग देख लो लखपति कैसे बनोगे। भगवान ये बात को समझा रहे हैं, जैसे ये माला है, हैं? आप लोग सब देख लो, आपको एक एक माला दूंगा, सबके सब एक एक माला लेकर हरिनाम करना, ठीक है? देख लो कैसे लखपति बनोगे। जैसे ये माला है ना, जैसे जो अंगुल गोप्स में टच नहीं करते क्योंकि गंदा अंगुल सबसे पहले निकलता है ना, हम कहते तुमको देख लेंगे, सबसे पहले निकलता है, इसलिए उसको बाहर निकालते हैं। और ये बीच वाले अंगुल पर रख करके जैसे हरे कृष्ण जानते हो नाम को, सब मेरे साथ में बोलो सबके साथ, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कर, बोलो जोर करके बोलो सब, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उसको बोल करके ना इसमें एक मोती सरकता है, फिर दो बार बोल कर दो मोती, तीन बार बोल कर तीन मोती सरकता है। जब यहाँ पर खत्म हो जाती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है, नियम है ये अंगुल को उसको पार नहीं करनी चाहिए, फिर ये अंगुल को ऐसे घुमा करके फिर दूसरे तरफ से उसको करनी चाहिए। देखो 1,00,000 ऐसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया है। एक मोती सरकते 16, दो मोती होते 32, तीन चार होते 64 है हो जाती है। इसलिए अगर इसको ऐसे अगर हमने 16 माला कर दिया ना, 16 राउंड, वो हिसाब से होता है 25,000। अगर हमने 64 राउंड कर लिया तो हो जाता है 1,00,000, कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। भगवान कहते तूने 1,00,000 माला नहीं की, बोले क्या की? बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गया। भगवान भूत कहते
ये खुद कहते हैं भगवान देखो 1,00,000 रुपया भैया ब्याज कितना मिलेगी, इसे इंटरेस्ट तो मिलनी चाहिए। मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सब आए, आज अगर 1,00,000 किया ना कल तुमको 1,25,000 ही मिलेगी, और 2,00,000 4 दिन में है। और ये धन हमारी केवल डिपोजिट हो रही है, ये धन हमारी केवल डिपोजिट हो रही है। इसलिए मीरा कहती है चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सब आए, ये धन केवल बढ़ेगी, ये धन कभी घटेगी नहीं। इसलिए आप लोग भी क्या करो, आप बताओ तो अभी कौन सा रानी को सबसे ज्यादा प्यार करोगे 4 रानियों में, बोलो जोर से, कौन सा नंबर रानी को जोर से, कोई बोल नहीं, चौथी रानी क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आज से हम भगवान के नाम करना शुरू कर दे, ठाकुर जी की नाम करना शुरू कर देंगे, धन को कमाना हमें शुरू कर देनी चाहिए जितना जल्दी हो। इसलिए कहते ना कल कर सो आज कर सो अभी, आज कर तो आप पल में प्रलय होगी बौरी। इसलिए भगवान की भजन है ना इसी जीवन में, प्रभु का भक्ति भजन इसी जीवन में कर सकते हैं और किसी जीवन में नहीं होगा। इसलिए क्या करो भगवान की भजन करो और यही धन ही हमारी काम में आएगी, ठीक है, और यही धन से ही हम जगत में सुखी शांति इसी जीवन में हमें मिल सकता है। देखो इसमें जो हरे कृष्ण है ना, ये हरे मतलब क्या है, हरे मतलब होता है हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए हरे कृष्ण मतलब क्या है। अब देखना कभी कभी घर में सब कुछ है लेकिन कभी कभी देखना मन को शांति नहीं मिलती, मन बेचैन सी है, लेकिन अगर कृष्ण नाम लेते क्या होता है मन को शांति मिलती है। राम मतलब क्या है, बोले जीवन में जो हमें आराम दे, जीवन में आराम और सुख शांति जीवन में दे। इसलिए आप लोग हरि का नाम लो, ठीक है, हरि का नाम लो, भगवान की भक्ति करो और जीवन में सुखी और जीवन में शांति में रहा करो, ठीक है। अगर किसकी अगर इच्छा होगी आप लोगों का, हम भी माला जब करना चाहते हैं आप लोगों को हम एक एक माला दे देंगे, ठीक है, ये माला करें, आप भी करो, पत्नी को भी कराओ, पति को भी कराओ, बच्चों को भी कराओ। देखना जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चंचल है, अगर एक माला करेंगे ना देखना बच्चों का पढ़ाई में अपने आप मन लगेगा, क्योंकि जो कृष्ण नाम है ना वो सबको जो आकर्षण करता है, सबको जो वो आकर्षण करता है। इसलिए आप एक माला ले लेना, माला लेकर खुद भक्ति करो और सबको भक्ति करो और कोशिश करना जीवन में थोड़ा वेजिटेरियन बनने के लिए, ठीक है, ठीक है ना। लगता है आप लोग वेजिटेरियन कि नॉन वेज खाते हो, आप लोग बताओ तो कौन नॉन वेज कौन कौन खाते हैं, आपके गांव कौन है, आपके कौन गांव है, जगन्नाथपुरी, जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं जाती देखना चाहता हूँ वहाँ पर है, लेकिन कुछ लोग भेज है। आप लोग कोई भेज करियर भी नॉन भेज है ना, आप बताओ तो भेज करियर कौन है सबके साथ, हाथ उठा, सरों क्यों करते हो, सरों की क्या बात, जोर से हाथ उठा, दिखाई दोनों आप सबके साथ भेज करियर ना, सब कैसे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आप लोग तो भाग्यवान है वेजिटेरियन। इसलिए कोशिश करना भाई ना देसी खाओगे अपना वैसे बनने का मन, अगर वेजिटेरियन हो तो मन अपने आप प्रभु के भजन में अपने आप लग जाती है। इसलिए जीव हिंसा उसे बड़ा पाप, जीव हिंसा को बताया। इसलिए अब लोग एक एक माला ले लेना, ठीक है, एक एक माला लेना, जैसे इनका परिवार के लोग सबके सब भगवान की भक्ति करते भजन करते हैं, आप लोग सबके सब माला लेकर हरि नाम करो, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग कोई नॉन वेज खाते हो, अगर खाते हो लेकिन प्रभु का माला जब कर सकते हो उसमें कोई ये नहीं, आप लोगों को जो माला दूंगा ना और तुलसी माला नहीं, आप हम देंगे नीम माला देंगे, नीम माला, जब पूरा कोई वेजिटेरियन बन जाते हैं ना फिर हम उसको तुलसी माला जब करने के लिए उसको तुलसी माला देते हैं, पहले गले में जो जिसे तुलसी की कंठी पहनते ना, तुलसी गले में कंठी, इसका भी बड़ा महत्व है। जैसे अभी आप अभी कोरोना आया था ना, अभी अब कोरोना आया था ना अभी, हाँ देखो ध्यान देकर देखो ये गले में हम तुलसी की कंठी क्यों धारण करते हैं, अभी कोरोना आया था बोले सारी जगह पर कोरोना हुए लेकिन हिमाचल में एक गांव में कोरोना नहीं, सब मीडिया लोग वहां पहुंच गए सारा दुनिया कोरोना है यहाँ पर क्यों कोरोना नहीं, तो गाँव में गए, जब गाँव में गए तो वहां पर देखा वो गाँव का चारों तरफ में तुलसी तुलसी, हर घर घर में तुलसी की बगीचा है, बस 20-30 घर के तुलसी है। इसलिए
देखा ये तुलसी वहां होने के नाते वहां पर कोरोना की प्रभाव वहां पर पड़ा ही नहीं। अब लोग बताओ तो कोरोना का सबसे पहले मेडिसिन किसने निकाला था? बोलो, रामदेव बाबा ने कोरोना ने निकाला ना था। आप उसको पढ़ करके देखना, उसमें 80% उसमें तुलसी है, तुलसी 80% उसमें। एक मेडिसिन दुकान में एक दवा को ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर। आप कभी यहाँ है कि नहीं, बल्कि इंडिया में तो मिलता है, इतना बड़ा बोतल मिलेगा उसमें के पेपर। अब पेपर को पढ़ कर देखना, 200 बीमारी की प्रतिशत मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। ऐसे कोई बीमारी नहीं जो भी ये तुलसी वृक्ष से सही नहीं हो सकते। कैंसर तक भी ये तुलसी की पौधा से नष्ट होता है, इतना मेडिसिन। इसलिए हमारे भारत में जो जो चीज रहता है ना, जैसे कहते ना आंगन में तुलसी पौधा लगाओ, ये बहुत बड़ा साइंस है। जितना दूर तक उसके वातावरण में जाएगा सारी बीमारी खत्म कर देता है, इसे बैक्टीरिया उसमें। आपको पता होगा इधर डॉक्टर जी है, इसलिए देखना हर वृक्ष दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है ना, और क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन रात्रि में क्या होता है, वही वृक्ष क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। लेकिन एक ही जो तुलसी वृक्ष देखोगे, ये दिन और रात में दोनों समय में ऑक्सीजन छोड़ने वाले ये तुलसी वृक्ष है। भारत में जिन जिन वृक्षों को पूजा करते हैं उसमें बड़ा साइंस ही है, जैसे पीपल पेड़ को, बरगद पेड़ को, नीम वृक्ष को, ये सारे वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन को ये छोड़ने वाले। इसलिए भारत में जो जो वृक्ष जो जो माताएं करती ना, पहले से जो माता जी करती आ रही है, समझो ये माताएं सब बड़े साइंटिस्ट ही माताएं सब। बिना साइंस से पढ़े हुए सबके सब साइंटिस्ट ही है। इसलिए गले में तुलसी, जैसे गले में तुलसी कंठी पहनते है ना, हाँ। इसलिए हम लोग तो भारत के हो, देखना सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती, देखे, क्योंकि ये लक्ष्मी है। और भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए, अपने आप कहाँ रख कर गए, तुलसी पौधा में रख कर गए ठाकुर जी। हाँ बोलते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों भाग के भी आए वृंदावन, बदलो क्या वृंदावन यहाँ तुलसी की बहन। इसलिए गले में ये तुलसी माला कंठी धारण करने का बड़ा महत्व है। जिसे स्नान करेंगे ना, इसका पानी सारा शरीर में जाएगा, बहुत सारी बीमारी को भी ये निकाली अपने आप निकाल देता है। गले में कंठी रहेगा तो शरीर, जैसे हम लोग हिंदू है ना, अब देखना भगवान जो कुछ भोग लगाओ, जब तक तुलसी पता नहीं देते हैं ठाकुर जी को सेवा में नहीं लगती है, हैं। इसलिए गले में जब तुलसी कंठी धारण करते हैं, ये शरीर रहे अपना नहीं रह गया, ऐसे ही शरीर ठाकुर को चरण में अर्पित हो गया, ऐसे ये शरीर भगवान के चरण में हो गया, ठीक है ना। इसलिए धीरे 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 अगर आप लोग धीरे धीरे सब चीज फॉलो करोगे, फिर तुलसी गले में तुलसी कंठी पहनो, ठीक है, और भगवान के भजन करो, भक्ति करो, और जीवन में सुखी रहो, आनंद में रहो, ठीक है। हाँ, इसलिए और धीरे धीरे जैसे परिवार को देखो, जैसे इनका पूरा परिवार भक्त परिवार है, हरि नाम करते हैं, भक्ति करते हैं, बच्चे भी भक्ति करते हैं, इनके पिता माता भी भक्ति करते हैं। जिस घर में सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वही वृंदावन धाम है। वृंदावन और कहीं नहीं, अपना घर को ही अपना वृंदावन धाम, अपना घर को बनाओ, ठीक है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और देखो इन्होंने जैसे अपना घर में भक्तों को बुलाया, घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो रही है, इसलिए आप लोग भी कभी कभी अपने घर में बुलाओ भक्तों को, घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो ना। शास्त्र कहता है, भागवत कहता है, सर्वाणी तीर्थानी बसंती तत्रा यथाच्युता हर कथा प्रसंग। जिस घर में भगवान की कथा सत्संग हो जाए, हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, घर में हरि कीर्तन हरि कथा होने पर घर का जितने सारी नेगेटिव चीज सबके सब खत्म हो जाती है, क्योंकि भगवान के नाम पृथ्वी का सारे तीर्थ उसी घर में आ जाता है, वही घर भगवान के धाम बन जाते हैं। इसलिए आप लोग भी घर में हैं, कभी कभी भक्तों को बुलाओ, हरि कीर्तन कराओ, हरि का नाम कराओ, जिससे घर का पवित्रता हो, घर में शांति सुख, घर में शांति सुख हो, ठीक है। आप लोगों को जो जिन जिनों के पास में माला नहीं है ना, आप लोग एक एक माला ले जाए, ठीक है, ले जाओगे, करो तो माला, कौन कौन करेगा, डॉक्टर भैया अच्छे किताब ले, और कौन करेगा माला, एक माता जी और आप करोगे, भैया जो बैठे हो, हाँ माला करोगे, हाँ इधर आज आप एक माला देता हूँ, इसको लेकर आप भी करो, इसमें कोई नियम नहीं। अब इसको नन भेज खा कर भी उसको कर सकते हो, इसको खा के, ये जो माला है तुलसी माला आपको नहीं दे रहे, आपको हम नीम की माला दे रहे हैं,
ये माला करते रहे ना नॉन वेज माला वो नीब नॉन वेज ये लेकिन जब धीरे धीरे अगर कोई खाते हो धीरे धीरे अगर कोई खाते हो धीरे धीरे जब छोड़ दोगे ना फिर तभी हम तुलसी माला तभी हम देते हैं। जब फिर हम अगली बार आएंगे अगर आएंगे तो फिर हम देखेंगे अगर पूरा नन भेज अगर पूरा कोई छोड़ दिया होगा तो फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं जब करने के लिए। फिर गले में भी इसको तुलसी की कट्ठी देते हैं पहनने के लिए। ठीक है इसलिए आप लोग एक एक माला ले जाना। डॉक्टर जी आवा इधर आओ। मेरे पास है माला है आपके पास में? हाँ है ना ठीक है ना तो ठीक। और किसके पास में नहीं है? जिनके पास में नहीं है आपके पास में भी है? और आपके पास में भी है माता जी? किसको पास में नहीं वो ले जाओ। और इधर देखो इधर सुना जैसे किसी भक्तों को हाथ से जब लेते हैं ना फिर उसमें नियम बन जाती है। उसमें हम सोचते हैं वैसे कैसे खरीदी करके ले लिया है कभी किया कभी किया नहीं। लेकिन जब हम किसी भक्तों का हाथ से लेते हैं कुछ नियम बनता नहीं। हम किसी भक्तों का हाथ से लिए हैं साधु का हाथ से लिए हैं ये माला हमें जप करनी चाहिए। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु गुरु भवनि भी तरहि न कोई जो बिरिंची शंकर संग होई। कहते ब्रह्मा शंकर जी के अगर कोई बराबर भी हो जाए लेकिन अगर किसी साधु से नहीं जोड़े तो भैया संसार से वो पार नहीं हो सकते। जैसे कि गोली है जैसे कि गोली आप उठा कर किसको फेंको लगेगा थोड़ी बहुत लेकिन उसी गोली को अगर बंदूक में भर करके मारोगे तो क्या होगा? इस पार से उस पार हो जाता है इस पार से उस पार फिर कुछ नियम बनती। इसलिए जब हम किसी भक्तों का हाथ से लेते हैं ना तो नहीं हम किसी साधु का हाथ से लिए है माला ऐसे हम शुरुआत करेंगे। नहीं तो क्या होगा ना हम जैसे तैसे घर में पड़ा हुआ होगा उस पर करते नहीं होंगे। इसलिए इसमें नियम बनी जाती। ठीक है ये क्या आपका मैया है? अगर जिनके पास में नहीं ले लो कोई शर्म नहीं करना उसमें तो कोई नियम नहीं केवल हरिनाम करते रहना। ठीक है हरिनाम करते रहना। हाँ देखो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बोले जन पूर्व सत जन्म वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानी सदा भारत। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये हरिनाम कौन कर सकता है? बोले जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की सेवा पूजा की ना वही व्यक्ति इसी जीवन में भगवान के नाम में उसको भगवान के नाम में रुचि होती है। इसलिए हरिनाम करने वाले व्यक्ति बड़े भाग्यवान है बड़े भाग्यवान है। हनुमान जी को देखो दिन भर क्या करते हैं? रघुपति राघव पति तो पावन सीता हनुमान जी नाम करते हैं ना। आप शंकर जी का नाम सुने हो? सुने कि नहीं शंकर जी की? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जपत मनीषा और काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी को घर घर में क्यों पूजा होती है? कारण है शंकर जी पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरा। शंकर जी पंचमुखे ठाकुर जी की माता देवी को देखे होंगे ना। देखना 8 हाथ में एक माला देखोगे माता देवी की 8 हाथ में देखोगे कि माला स्वयं माता जी भी ये माला जप करती है। अब ब्रह्मा जी को देखना 4 हाथ में एक हाथ में माला। सरस्वती को 4 हाथ में एक हाथ में माला देखोगे। आप लोगों ने गणेश जी का नाम सुने हो? कौन कौन गणेश जी का नाम जानते हो? हाथ उठाओ तो सब जानते हो ना। हाँ देखो ये सबसे पहले की गणेश जी की पूजा क्यों होती है मैं जो कथा सुनाता ना उसको याद रख लो। ये गणेश जी की सबसे पहले 33 करोड़ देवता में क्यों पूजा होती है? बोले एक समय 33 करोड़ देवता बैठे उनका मीटिंग हुई। मीटिंग में ये हुई 33 करोड़ देवता में सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? बोले देखो ये विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके पहले आ जाएगी उसको सबसे पहले उसका पूजा हुई। अभी साधारण बात नहीं 33 करोड़ देवता में कितने देवता में अभी केवल भारत का प्राइम मिनिस्टर के लिए कितने लड़ाई है? प्राइम मिनिस्टर का छोड़ दो एक एक प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के लिए कितने लड़ाई हो कितने पार्टियां हैं सारे विश्व ब्रह्मांड में देवता में किसकी सबसे पहला पूजा कोई साधारण बात है। इतने में सुनते ही ब्रह्मा तो हंस भान में उड़ चले। और कार्तिक का भान कौन है? बोलो कार्तिक का भान कौन? मोर। वो मयूर के ऊपर बैठकर चल पड़े जिसका जो वाहन था ना एकदम उड़ चले सबसे पहले ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आ जाए। लेकिन अभी गणेश कहाँ जाएंगे? गणेश का वाहन कौन है? चूहा है ना। अभी भैया वो कहाँ जाएंगे?
वो चुपचाप बैठे हुए हैं। इतने में नारद जी आए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले कोई चिंता मत करो, कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है, बोले हर भगवान राम का नाम लिख लो, लिख करके उसको तीन बार परिक्रमा कर लो, हरि से बड़ा हरि का नाम भगवान के अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भगवान दिखाए ना अर्जुन ने, बोले तुमने ये तो बड़े दिनों के बाद में कहीं एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आई, तुमने एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड को तुम्हारी तीन तीन बार परिक्रमा होगी। बस गणेश वहीं पर बैठे, कितने सालों में सारा दुनिया परिक्रमा करके हिमसिम खाते हुए शरीर से पसीना पसीना बह रहा था, सबके आई फिर मीटिंग हुई, सबसे पहले कौन आया, किसने कहा मैंने सबसे पहला आया, किसने कहा तेरे से पहले तुमने देखा नहीं, पहले मैंने परिक्रमा करके आया, तीसरे कहा तेरे से पहले, अभी लड़ाई शुरू हो गई। इतने में गणेश जी ने बोले हे सबके सब चुप बैठो, तुम लोग एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने सालों में परिक्रमा करके आए, मैंने एक ब्रह्मांड नहीं मैं तो अनंत करोड़ ब्रह्मांड को मैंने तीन तीन बार परिक्रमा लगाई, कितने परिक्रमा लगाई, तीन बार। सब लोग तो बड़े जोर से हंसे, हैं इतना बड़ा पेट और चूहा बाहन जहां के तहा बैठा हुआ, हम इतना कष्ट करके परिक्रमा करके आए, ये कहता है तीन, हम तो एक परिक्रमा करने के लिए हिमसिम खा के बोले अनंत करोड़ ब्रह्मांड को। अरे नारद जी व्याख्या क्या बोले, सही कह रहे हैं, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, और उन्होंने भगवान का नाम को उसने तीन तीन बार परिक्रमा लगाई, गणेश जी की जय जयकार हो गई। इसलिए रामचरितमानस में देखो ये प्यार है, बोले महिमा, हिंदी समझते है ना, देखो ये प्यार है, बोले महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजी अत नाम प्रभाओ, महिमा जासु जान गण राऊ, गण राऊ मतलब गणेश, महिमा मतलब नाम की महिमा को ये समझे, इसलिए प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, सबसे पहले इसकी पूजा क्यों हो रही है, बोले भगवान के नाम की प्रभाव से, नाम की हनुमान, हनुमान जी खुद कहते हैं रामचरित पढ़ते को, कहते मैं ऐसे जात में जन्म हुआ बंदर जात में, सवेरे कोई अगर मेरे मुंह देख लेगा ना दिन भर उसको भजन नहीं मिलेगा, किस घर में बंदर घुस जाए बोले अपवित्र हो गया, लेकिन मेरे को देखो बंदर जात में घर घर में राम से भी ज्यादा हनुमान की पूजा होती, बोले क्यों, कारण क्या, बोले सुमिरी पवन सुत पावन नामो आपन बस कर राखे रामो, कहते केवल राम नाम के प्रभाव से मेरी जगत में पूजा हो रही, इतने महिमा प्रभु जी के नाम की। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु का नाम कर लिया ना, समझो सारे वेद पुराण इतिहास तुम्हारे सब पढ़ना हो गया, सब कुछ तुमने पढ़ लिया, सारे पढ़ लिया तुमने, समझ रहे हो, हाँ, इसलिए क्या करो हरि की नाम करो, सवेरे उठ करके भगवान के लिए थोड़ी सी समय तो आप देख लेना, जितना समय प्रभु का नाम जप करोगे ना मन को कितने शांति मिलती है, आप स्वयं प्रैक्टिकल रूप में देख लेना कितने शांति मिलती है प्रभु की नाम से, ठीक है, सब हरि नाम करो, जीवन में सुखी रहो शांति में रहो, ठीक है, हाँ सबके सब। आज हमारे प्रभु जी अपना घर में भक्तों को बुलाए, घर में हरि कथा हरि कीर्तन हो रहा है, जिस घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो वही वृंदावन धाम है, अब इसलिए ताली बजाओ कम से कम, हमने सारे भक्तों को बुलाया, आप इधर आ गया बाबा, क्या नाम है आपका, हाँ गब्बर सिंह, अरे गुरु जी ने क्या नाम दिया था, गुरु जी नाम नहीं दिया, गुरु जी ने नाम दे दिया, नहीं दिया, क्या नहीं दिया, आप जी दिया, दिया अभी ये भी माता आप जी, आप जी माता जी आप ही इधर आ जाओ, चल नहीं जाते ना, उनको पकड़ कर ले, वहां देख माला ठीक है ना, माला निकालो जस्ती भी मारे हो आप वही आपको मुझको मार